दोस्तों, नेपाल के बहुत सारे स्कूलों में चीन की भाषा मैंडरिन को कंपलसरी कर दिया गया है। इन भाषाओं को पढ़ाने वाले टीचरों का वेतन भी चाइना ही देगा, और जिन स्कूलों में ये भाषा पढ़ाई जाएगी उन स्कूलों का सारा खर्चा चाइना ही देगा। हालांकि चाइनीज भाषा नेपाल में काफ़ी समय पहले से पढ़ाई जा रही है, लेकिन अब ये भाषा कुछ स्कूलों में लगभग कंपलसरी कर दी गई है। हालांकि नेपाल के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेपाल का पाकिस्तानीकरण या उत्तरी कोरियाईकरण जैसा ही हो रहा है। चाइना ने पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया को जैसे बनाया है, अब वहाँ नेपाल को भी वैसे ही बनाना चाहता है। ये सच है मित्रों, ये कहीं भी झूठ नहीं है। चाइना का सच्चा मित्र देश केवल पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया ही था, अब नेपाल भी चाइना का सच्चा मित्र देश बन रहा है, और चाइना का सच्चा मित्र बनने का मतलब है द्वंद्व की तरफ जाना, अमेरिका से टकराव में उलझना। ये नेपाल का निजी मामला है, इसमें हमको नहीं बोलना चाहिए। हमने इसमें बोला, उसके लिए हमें माफ़ करें।